मीडिया पर ज्ञान बापी मस्जिद पर आए न्यायालय के आदेश पर हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों के बीच लगातार वाद विवाद जो हो रही है उस बिंदु पर अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए अग्नाव खंड की तरफ से सभी भारतीयों को एक संवाद मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कानून की समीक्षा करने का अधिकार भारत के कोर्ट न्यायालय को है। माननीय बार बार 1991 के भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरफ मुस्लिम पक्षकार इशारा कर रहे हैं। मैं उन मुस्लिम पक्षकारों से आग्रह करता हूं कि आप न्यायालय में जाएं, उस कानून अपना अर्जी दें कि इस अर्जी के तहत गलत हुआ है या सही हुआ है। कोर्ट उस पर निर्णय लेगी, जो कोर्ट का निर्णय आएगा भारत के लोग मानने के लिए तैयार हैं। जैसा कि बार बार यह संघ की तरफ से हो रही है कि संघ के लोग गलती कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कभी भी राष्ट्र विरोधी काम नहीं करते। राष्ट्र फर्स्ट उनकी पहली प्राथमिकता होती है, राष्ट्र से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। हमारे प्रचारक रात दिन राष्ट्र के विकास के लिए, लोगों के निर्माण के लिए, समाज में आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं और उन्हीं स्वयंसेवकों पर अंगुली उठाई जाती है, उन्हीं प्रचारकों पर अंगुली उठाई जाती है कि ये राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। कभी भी कोई स्वयंसेवक राष्ट्र विरोधी काम नहीं करता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि कुछ लोग जो कांग्रेस से आए हैं या बीजेपी में हैं, बीजेपी के साथ काम करते हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो बीजेपी के नहीं हैं, वो हमारे स्वयं सेवक नहीं हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का झंडा लगा लेते हैं, समय के अनुसार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस करते रहे। अन्य दलों में राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, सपा आदि में जाते आते रहते हैं, उनकी कोई सिद्धांत नहीं है, कोई काम नहीं है। उनका एक ही काम है अपना उल्लू सीधा करना, लोगों को पागल बनाना, लोगों को गुर्बक बनाना और अपना उल्लू सीधा करना। ऐसी स्थिति में मैं बार बार निवेदन करूंगा कि ज्ञान बापी मंदिर में मस्जिद पर जो न्यायालय का आदेश आया है उसका आदर होनी चाहिए। मान्यवर, मैं खास करके मुस्लिम नेताओं से कहूंगा, वो दिन याद कीजिए, आपको 1991 के कानून याद आती है, लेकिन CAA पर बने कानून को लेकर के कई महीनों तक दिल्ली में धरना मुस्लिम पक्षकारों ने देते रहे। क्या वो केंद्र से, वो संसद से बना कानून नहीं था? उस कानून को आप लोगों ने क्यों गलत किया? वो भी तो संसद से बना कानून था, CAA भी तो संसद से बना कानून है, लेकिन उस कानून पर आप कुछ नहीं कहते हैं, वो कानून गलत है। लेकिन 1991 में मंदिरों के लिए बना कानून सही है, बाहर एक ही संसद से बने कानून को दो मेजरमेंट करने की तरीका कैसे हो सकता है? तो मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि संसद से बने कानून को आदर तो जरूर करेंगे, लेकिन आप न्यायालय में जाएं। अगर आपको लगता है कि कानून गलत है तो आप न्यायालय में जाएं, न्यायालय से आग्रह करें। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान की समीक्षा करने का अधिकार, कानून को रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है। कोर्ट रिव्यू करेगी, गलत होगी तो गलत, सही होगी तो सही। जय हिंद, जय भारत।